हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल ऑफ फार्मेसी डिक्शनरी आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कॉमन और कुछ रैंडम मेडिसिन के काम करने के तरीके के बारे में ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो कि आपको सेल्फ मेडिकेशन के लिए प्रोत्साहित करे प्रेरित करे बल्कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को रिलेटेड टू द ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और अच्छे से इंप्रूव कर सके तो आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग का जो कि आपके जी की प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं पेट से संबंधित प्रॉब्लम और उसका एक प्रॉब्लम जिसका

मूवमेंट है नेचुरली वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एक्टिविटी यहां पे इन्वॉल्व हो रही है लेकिन अगर किसी कारण से ये जो एक्टिविटी है वो धीरे हो जाए या हमको जरूरत पड़े किसी ऐसे कंडीशन में कि एक्टिविटी को हम फास्ट कर सकें तो उस एजेंट को जो कि इस मूवमेंट को फास्ट कर रहा है इसे हम प्रोकाइनेटिक कहेंगे और आपका लीवो लीवोसल्फ्राइड इसी प्रोकाइनेटिक का एक सिंपल सा सा इंपॉर्टेंट है आप समझो कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है जी ई प्रॉब्लम शुरू क्यों हो रही है ये जो इसोफेगस का मैंने आपको आपको नाम बताया ये आपका फूड पाइप है तो हम इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप फूड पाइप का मतलब है एक ऐसा पाइप एक ऐसी नली जिसमें से आपका फूड जाता रहता है अब देखो एक आपने थैली देखी होगी कुछ इस तरीके से जिसको हम लोग पोटली बोलते हैं थोड़ा डायग्राम अगर अच्छे से बनाओ तो आपको और समझ में आएगा इस तरीके का एक रस्सी है और इस तरीके से एक पोटली है जो निकलता है यहां पर रस्सी को हम खींचेंगे तो ये पोटली टाइट होती जाएगी और इसमें यूजली पहले हमारी दादी सिक्का रखा करती थी और इसको खींच करके बांध करके कमर में रखा करते थे थे। तो ये ये जो रस्सी है वो इतनी टाइट बंदी होती थी कि ये सिक्का अंदर से बाहर नहीं निकल पाता लेकिन कभी कभी अगर ये हो गए, तो सिक्का अंदर से बाहर आ सकता था वापस या फूड पाइप में ना जाए इसको मैनेज करने का काम आपका स्फिंक्टर करता है अगर किसी कारण से यह स्फिंक्टर लूज हो जाता है तो थोड़े से रिबाउंड मारता है और ऊपर आपके आहार की ओर जाने लगता है और यही रिफ्लक्स कहलाता है आपका एक प्रॉब्लम जिसे हम शॉर्ट में जी ई कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइोफेगल रिफ्लक्स डिजीज गैस्ट्रोइोफेगल का क्या मतलब हुआ गैस्ट्रो मतलब ये आपका गैस्ट्रिक पार्ट जीआई पार्ट स्टमक पार्ट और इसोफेगल मतलब ये आपका फूड पाइप जिससे कई बार ई e से शुरू होता है ईसोफेगस और कई बार ओ से शुरू होता है सो दोनों आप सही है वो चलेगा तो चूंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके स्टमक और इसोफेगस दोनों से एसोसिएटेड है इसीलिए यहां पे जीई यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेगल कंबाइंड रूप से यूज किया गया है और यहां पे आर का मतलब है रिफ्लक्स यानी कि देखो अगर ये दीवाल है और दीवाल में कोई टेनिस बॉल को मारेगा प्लास्टिक बॉल को भी मारेगा खास करके टेनिस बॉल तो दीवार में टकरा करके वापस इस ओर आएगी यानी कि ये एक प्रकार से बोल सकते हो रिफ्लक्स इसका आ रहा है तो यहां पे फूड के पाइप से फूड गया स्टमक में लेकिन नहीं होना चाहिए तो यह प्रॉब्लम हो रही है अब यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत तकलीफ होगी और उसको ठीक करने के लिए आज ड्रग सल्फिराइड या ब्रांड हो वो यूज किया जाता है ये जो लीवो है वो क्या करता है ये आपके स्टमक में जो कि एक है इसके रिलीज को इंक्रीज कर देता है इसके अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है है का जो काम है, वो है आपके गैस्ट्रिक के मूवमेंट को इंक्रीज करना अब अगर ये मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोकनेटिक एजेंट है जो कि मैंने आपको यहां पे बताया था अब अगर इंप्रूव हो रहा है इसकी मोबिलिटी मूविलिटी मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि जो भी फूड है जो भी एसिड है वो फटाफट से स्टमक से मूव करता हुआ आपके स्मॉल टेस्टाइन

भी हो सकता है एंटासिड भी हो सकता है और अगर अल्सर बनने के चांसेस हैं या बन रहे हैं तो आपका सक्रॉलफेट जैसा अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग भी इसमें इंक्लूड हो सकता है यह तो डिपेंड करेगा कि व्यक्ति की पेशेंट की कंडीशन कैसी है कौन कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं कौन कौन से प्रोग्रेशन नजर आ रहा है उसके हिसाब से हम ड्रग का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं फिलहाल ये जो आपका ब्रांड नेम था लेवा जियो इसमें केवल केवल एक ही कॉन्स्टोमेंट है लेवो सल्फिराइडिन के सिंथेसिस को अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करके प्रो का काम करता है और उसके कारण से आपकी जी की प्रॉब्लम काफी हद तक मैनेज हो सकती है आई होप ये आपको आज का जो ड्रग है इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा अब जाते जाते दो छोटे छोटे बात भी बता दूँ हालांकि ये आपके नज़रों में इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट वह इसका स्टोरेज कंडीशन देखिए ये जो स्टोर कंडीशन ये क्या कह रहा है ये टेम्परेचर का एक्सीड नहीं होना चाहिए 30 डिग्री के ऊपर में और इसको आपको लाइट और मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए अक्सर ये आपको देखने को मिलता है चाहे वो ये ड्रग हो चाहे कोई और ड्रग हो क्या आपको पता है इसका लॉजिक क्या है और ये क्यों जरूरी है मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ बात को जरा समझिएगा अगर ड्रग के एक्सपायरी डेट कुछ भी लिखी हुई है तो ये ड्रग के एक्सपायरी डेट तभी वैलिड है जब ये प्रोडक्ट अनयूज है अन है, है सील पैक है तभी इसकी वैलिडिटी होगी लेकिन अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सपोज ऑइंटमेंट को या फिर किसी सीरप को एक बार उसकी बोटल ओपन कर दी तो उसकी एक्सपायरी डेट वो नहीं रहेगी जो बोटल में लिखी हुई है कारण यह है कि वो ओपन होने के बाद एक्सपोज

बॉटल में भर करके रखते हैं सेम सोडियम मेटल के साथ भी ऐसा होता है उसको मिट्टी तेल में या काले सीसी में रखते हैं वैसा ही कई ड्रग हो सकते हैं जिसके कॉन्सिटेंट या उसके एग्जिपियंट ज्यादा टेम्परेचर होने पे अपना स्वरूप अपना मेन फॉर्म छोड़ के किसी दूसरे डिग्रेडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए टेम्परेचर के जैसा ही लाइट का एक फॉर्म है लाइट से भी फर्क पड़ता है और मॉइस्चर का तो फंडा ये है कि ये इसके अंदर को कोई ना कोई कॉन्सेंट ऐसा है जो हाइग्रोस्कोपी की नेचर है यानी कि सराउंडिंग में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है इस मॉइस्चर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और जब ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर इसके ओर अट्रैक्ट होंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे लूज होने लगेगी फ्रेजाइल होने लगेगा फैब्रिटी टेस्ट को ये पास नहीं कर पाएगा टूटने लगेगा और वो आपके लिए अच्छा नहीं है कई तरह के फंगल ग्रोथ को भी अलाउ कर सकता है तो इसीलिए आपको जरूरी है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं समझते हो वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इसका स्टोरेज कैसे करना चाहिए आई होप कि अब आपको पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हुआ होगा थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो नमस्कार टेक केयर